दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर दुधारू गाय भैंस को हम कितना अनाज दें, कितना दाना दें ताकि वो बहुत अच्छा दूध दे सके। अगर इसकी कैलकुलेशन आपके पास नहीं है ना तो बड़ी ही भारी समस्या रहती है। देखिए हमारे डीडी रामाओ चैनल पर इससे रिलेटेड विस्तार से वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो रामाओत वेट्स क्लब, वेट्स ज्ञान वेट्स क्लब तो है वेटनरी डॉक्टर कंपाउंडर्स के लिए, और वेट ज्ञान जो चैनल जिस पर आप हैं, ये चैनल हमेशा ही आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही चलता है। जो भी भाई रामाओत वेट ज्ञान लिख करके उसके बाद कमेंट कर देते हैं तो उस कमेंट का जवाब अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। या तो उस पर वीडियो बना हुआ है या अगला वीडियो उस पर आने वाला है। तो आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप लिख करके दे सकते हैं। तो भाई दाना मिश्रण की मात्रा की अगर हम बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मात्रा को अच्छी तरीके से समझें। देखिए जो भी गाय भैंस, देखो एक नॉर्मल अगर आप लेना चाहते हैं तो जो भी गाय भैंस जितना दूध दे रही है उसका आधा कर दीजिए और आधे को केजी में बदल करके आप दाना मिश्रण दे दीजिए। जैसे पूरे दिन की बता रहा हूं, कोई भी गाय भैंस पूरे दिन में मान लीजिए 10 लीटर दूध दे रही है, हिसाब की ही है, 10 लीटर पूरे दिन में दे रही है, तो 10 लीटर दे रही है तो उसे आपको 5 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए, जिसमें से 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को हो गया। कई भाई 2 किलो सुबह देते हैं, 3 किलो शाम को देते हैं, तो ये भी चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रॉपर वे में देखेंगे सर पूरा साइंटिफिक बेस क्या है, तो साइंटिफिक बेस अगर कंप्लीट देखें तो किसी भी पशु को जो कि दूध दे रहा है या प्रेग्नेंट है, कोई भी स्टेज में है, कम से कम 1 किलो दाना मिश्रण उसे उसकी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। अगर उसका वजन 300 किलो है तो 300 किलो पर 1 किलो उसे बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, तो 600 किलो पर 2 किलो रोज उसको अपनी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई भाई हर पशु के पीछे 1 किलो देते हैं तो वो भी चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा कई बार दाना मिश्रण जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है। आगे बात, इसके बाद दूध के ऊपर देखें तो गायें जो दूध देती है, गाय जितना दूध देती है वहाँ 2.5 लीटर के पीछे यानी 2.5 लीटर के पीछे आपको 1 किलो दाना मिश्रण देना होता है, और भैंसों के लिए 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना मिश्रण देना होता है। इसके अलावा कई भाई इसके साथ साथ जो बॉडी मेंटेनिंग आहार है उसको भी अलग से देते हैं तो बहुत ही शानदार रहता है। यानी अगर 10 लीटर कोई दूध दे रही है गाय, तो 10 लीटर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5 लीटर के हिसाब से 4 किलो दाना मिश्रण वहाँ बनता है, और 1 किलो हो गया बॉडी मेंटेनिंग का, तो हो गया 5 किलो। यानी मैंने जो नॉर्मल फंडा आपको शुरुआत में बताया था वही फंडा यहाँ आ रहा है, 10 लीटर वाली को आप 5 किलो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। दाना मिश्रण ना तो ज़्यादा देना चाहिए और ना ही कम देना चाहिए, तभी दूध अच्छी तरीके से बढ़ता है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए और दाना मिश्रण हमेशा ही बैलेंस्ड दीजिए। यानी बैलेंस्ड डाइट के ऊपर हमारे वीडियोस बहुत बने हुए हैं डीडी रामाओ चैनल पर, देखिए और बैलेंस्ड डाइट ही दीजिए। हर समय के लिए अलग अलग बैलेंस्ड डाइट होती है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक बेस हैड टू जेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ रात को 8 बजे लाइव आप लोगों के साथ, ताकि आप कंप्लीट बातें सीख सकें, कंप्लीट चीज़ें सीख सकें। डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आपसे पीछे नहीं रहना चाहिए। रामाओत एनिमल ऐप पर आ रहा हूँ मैं डेयरी क्लास में रोज़ रात 8 बजे।